हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैल्पोल पीडियाट्रिक ड्रॉप पेपरमिंट के बारे में, जो बच्चों में दर्द और बुखार को कम करने के लिए एक कॉमन और इफेक्टिव मेडिसिन है। ये हेडेक, दांत दर्द, बॉडी दर्द, फीवर और कॉमन कोल्ड जैसे कंडीशन में हेल्प करती है। आइए जानते हैं कि ये पेन रिलीफ के इलाज में कैसे काम करती है। ये ड्रॉप एक बहुत ज्यादा यूज करने वाली पेन किलर है, जो ब्रेन में उन सिग्नल को ब्लॉक करती है जो दर्द का एहसास कराते हैं। ये खास तौर पर सिर दर्द, माइग्रेन, दांत दर्द और मसल्स पेन जैसे कंडीशन में फायदेमंद है। इसे प्रेस्क्राइब डोज में और डिसाइड टाइम तक लेना जरूरी है, ताकि इसके साइड इफेक्ट से बचा जा सके। आइए जानते हैं कि फीवर के इलाज में कैसे काम करती है। बुखार कम करने के लिए भी ये ड्रॉप काफी इफेक्टिव है। ये बॉडी में बुखार बढ़ाने वाले केमिकल ब्लॉक करती है। इसे सिग्नल या फिर कॉम्बिनेशन थेरेपी के रूप में प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसे कैसे यूज करना चाहिए। इस मेडिसिन को डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज और ड्यूरेशन में ही दें। इसे मेजरिंग कप से नापें और बच्चे को माउथ के जरिए पिला दें। इसे खाने के बाद देना बेहतर होता है, ताकि पेट में इरिटेशन से बचा जा सके। अगर आपका बच्चा डोज लेने के 30 मिनट के अंदर उल्टी कर दे, तो डोज को फिर से दें। इसमें पैरासीटामोल होता है, इसलिए ध्यान दें कि इस मेडिसिन के साथ पैरासीटामोल वाली अदर मेडिसिन ना दें, ताकि ओवरडोज से बचा जा सके। अगर आपका बच्चा किसी और ट्रीटमेंट पर है या कोई और मेडिकल कंडीशन है, तो इसके बारे में डॉक्टर को जरूर बताएं। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। यूजुअली ये मेडिसिन सेफ मानी जाती है, लेकिन कभी कभी बच्चों में हल्के साइड इफेक्ट जैसे कि न्यूजिया या फिर वोमिटिंग हो सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम बनी रहे तो इसके बारे में डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें। अगर बात करें इसके प्राइस की, तो ये 15 ml के एक बोतल आपको 30 रुपए के आसपास में मिलेगा। तो बस इतना ही। तो अगर आप लोग ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।